तो फाइनली आप सबको बताया कि हमारे चैनल पर वन प्लस नोट 4 का कंपैरिजन सीरीज चल रहा है और हम काफी सारे स्मार्टफोन के साथ ऑलरेडी स्मार्टफोन का कंपैरिजन कर चुके हैं और इसके काफी सारे टेस्ट इन फ्यूचर आने वाले हैं। अगर आपको कोई टेस्ट चाहिए इसका तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थंबनेल से भी आपने जान लिया होगा, इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे वन प्लस 11R से और इन दोनों स्मार्टफोन की सबसे पहले प्राइसिंग का ही कंपैरिजन मैं बता देता हूं। जहां पर वन प्लस 11R वो अंडर 30,000 में देखने को जाता है, जबकि वन प्लस नोट 4 की ये अप्रोक्स 35,000 के अराउंड देखने को जाता है। यानी भाई 4 से 5,000 का इजीली हमें इनकी प्राइसिंग में डिफरेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर प्राइसिंग का तो डिफरेंस पता चल गया, तो चलिए अभी जानते हैं कि हमें और क्या कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है, क्या स्पेक्स में डिफरेंस देखने को मिलता है। यानी क्योंकि भाई दोनों स्मार्टफोन अलग अलग सीरीज के स्मार्टफोन है, 11R है R सीरीज का स्मार्टफोन है तो नोट 4 नोट सीरीज का स्मार्टफोन है। तो चलिए यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन के डिजाइन एंड डिस्प्ले से हम शुरुआत कर लेते हैं। और यहाँ पर वन प्लस 11R की बात करूँ तो बैक में ग्लास बैक देखने को मिलता है, जहां पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है। एजेज वो थोड़े कर्व देखने को मिल जाते हैं, कहने का मतलब ये ना। फ्रंट साइड में आता हूं तो मिड कंसोल डिस्प्ले देखने को जाती है और ये जो डिस्प्ले भाई काफी अच्छी देखती है। पैजेसेंग काफी हद तक यहाँ पर कम हमें देखने को मिल जाते हैं स्मार्टफोन के अंदर और ये फ्लूड एमलेट 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ आती है। 1450 नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने जाती है। ओवरऑल जो डिस्प्ले कलर्स हैं, व्यूज एंगल है, नो डाउट यार हमें काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर वन प्लस नोट 4 स्मार्टफोन की, तो ये स्मार्टफोन बैक में फ्लैट डिजाइन के साथ आता है, जो कि अलग ही टेक्सचर के साथ आता है। एल्यूमिनियम बॉडी यहाँ पर हमें देखने मिलती है। एंड फ्रंट साइड में आता हूं तो मिड कंसोल डिस्प्ले, अगेन यहाँ पर भी LTPO AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और ये जो स्मार्टफोन है भाई 2150 नीट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। यहाँ पर डिस्प्ले में फ्लैट देखने को मिल जाती है, 11R की तरह कर्व डिस्प्ले में देखने को नहीं मिलती, लेकिन जो डिस्प्ले कलर्स हैं भाई यहाँ पर वो काफी बेहतर देखने को मिल जाते हैं, काफी कमाल के देखने मिलते हैं। जो व्यूज एंगल है भाई वो भी काफी अच्छे रहते हैं। तो ये थे दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले एंड डिजाइन जो कि मैंने आपको बताया। अभी बात करते हैं कि अगर हमें इन दोनों स्मार्टफोन में से एक स्मार्टफोन चूज करना हो तो कौन सा स्मार्टफोन चूज करना चाहिए स्पेशली डिस्प्ले वाइज। देखो डिजाइन हर किसी की अलग अलग पसंद होती है, लेकिन अगर मैं मेरी पर्सनली बात करूं तो मुझे वन प्लस नोट 4 का डिजाइन पसंद आया। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ डिस्प्ले की, तो अगेन जो डिस्प्ले है भाई वो भी हमें वन प्लस नोट 4 में थोड़ी अच्छी देखने मिलती है। कलर्स वाइज, व्यूज एंगल वाइज, इन सब में तो अच्छी देखने को मिल ही जाती है, लेकिन जो हमें आउटडोर विजिबिलिटी देखने को मिलती है वो भी आपको वन प्लस नोट 4 में अच्छी देखने को मिलेगी। तो नो डाउट डिस्प्ले के मामले में अगेन वन प्लस नोट 4 अच्छा है। दूसरे फीचर की तरफ चल पड़ते हैं, जहां पर हमें देखने को मिल जाता है कैमरा। और कैमरे की बात करूं तो वन प्लस 11R हमें देखने को जाता है ट्रिपल रियर कैमरे के साथ, जो कि 50 मेगापिक्सल के साथ आता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल, जहां पर सोनी IMX890 सेंसर यूज किया गया है, 28 मेगापिक्सल थर्ड है 2 मेगापिक्सल का, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने जाता है, 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ वन प्लस नोट 4 की, तो ये स्मार्टफोन 50 मेगापिक्सल ड्यूल रियर कैमरा के साथ ही देखने में जाता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का, जहां पर सोनी LYT 600 सेंसर का यूज किया गया है, एंड स्कैंडी लेंस है 8 मेगापिक्सल का, 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है। दोनों स्मार्टफोन यार काफी अच्छे एंड काफी बेहतरीन कैमरा क्वालिटी के साथ आ जाते हैं। और यहाँ पर अगर मैं दोनों स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी आपको दिखाऊं, कैमरा सैंपल आपको दिखाऊं, तो आप हमारे डिस्प्ले पर कुछ कैमरा सैंपल देख सकते हो। यहाँ पर इजीली आपको दोनों स्मार्टफोन के कैमराज के बारे में पता चल जाएगा। और यहाँ पर मैं ज्यादा बड़ा फर्क नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ हद तक भी अगर मैं बात करता हूँ तो वन प्लस नोट 4 की कैमरा क्वालिटी हमें अच्छी देखने को मिल जाती है, थोड़ी क्लियरिटी हमें बैटरी यहाँ पर देखने को मिल जाती है, थोड़े कलर्स हमें अच्छे देखने को जाते हैं। तो अगेन कैमरा के मामले में यार वन प्लस नोट 4 स्मार्टफोन विन हो जाता है। फाइनली अभी परफॉर्मेंस एंड बैटरी बैकअप की तरफ चल पड़ते हैं और परफॉर्मेंस की बात करता हूं। 11R स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन के पावरफुल चिपसेट के साथ। जी दोस्तों, स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 प्लस चिपसेट। और यहां पर अगर मैं स्टोरेज टाइप की बात करता हूं तो UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप देखने में जाता है। एंड यहां पर एंड्रॉइड 14 के साथ जो है स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूं वन प्लस नोट 4 की, तो ये स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन के 7 जेन 3 प्लस चिपसेट के साथ देखने को मिलता है और ये चिपसेट भी भाई काफी ज्यादा पावरफुल है। और यहां पर स्टोरेज टाइप की बात करूं तो UFS 4.0 का स्टोरेज टाइप मिलता है। एंड रैम टाइप की बात करूं तो LPDDR5X टाइप की रैम देखने मिलती है। दोनों ये चिपसेट भाई काफी ज्यादा पावरफुल एंड काफी बेहतरीन आपको परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिल जाती है। मैं इन दोनों स्मार्टफोन के एंटीटू बेंचमार्क स्कोर आपको दिखा देता हूं। हालांकि कोई बड़ा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन भाई इतना डिफरेंस यहां पर देखने को मिल जाता है, जो कि इन दोनों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस में हमें यहां पर डिफरेंस करके बता सके, ये दिखा सके कि दोनों स्मार्टफोन में से कौन ज्यादा पावरफुल है। और यहां पर दोनों स्मार्टफोन में लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी देखने को मिल जाता है, तो नो डाउट यहां पर आपको पता चल चुका होगा कि जो OnePlus Nord 4 है थोड़ा यहां पर बेटर परफॉर्म हमें करता हुआ देखने को मिल जाता है। OnePlus Nord 4 में आपको थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस देखने को जाएगी। तो गेमिंग के लिए भी अगर मैं बात करूं तो OnePlus Nord 4 यहां पर अगेन विन हो जाता है। लास्ट एंड फाइनली अगर मैं बात करता हूं बैटरी बैकअप की, तो बैटरी बैकअप में दोनों स्मार्टफोन लगभग सेम ही हमें देखेंगे। जो OnePlus 11 आ रहा है ना, वो आपको 5500 mAh की बैटरी के साथ मिलता है, जहां पर 100W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। दूसरी तरफ अगर मैं OnePlus Nord 4 की बात करूं तो ये 5500 mAh की बैटरी के साथ मिलता है, जहां पर अगेन
100 वोट का ही फास्ट स्पोर्ट देखने को जाता है, तो नो डाउट हमें बैटरी बैकअप में कोई बड़ा डिफरेंस देखने नहीं मिलता, थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो ये थे सारे स्पेक्स दोनों स्मार्टफोन के जो कि मैंने आपको दिखाई। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी बात करते हैं कि अगर हमें इन दोनों स्मार्टफोन से एक स्मार्टफोन चूज करना है तो कौन सा करना चाहिए, कौन सा स्मार्टफोन हमारे लिए बेस्ट हो सकता है। देखो दोनों स्मार्टफोन यार OnePlus की तरफ से और दोनों ही स्मार्टफोन बेहतरीन है, लेकिन जब बात आती है इन दोनों स्मार्टफोन से एक स्मार्टफोन चूज करने की तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा OnePlus Note 4 5G स्मार्टफोन, क्योंकि OnePlus Note 4 यार लगभग हर एक चीज में यहाँ पर बेस्ट है, चाहे डिस्प्ले की बात हूँ, यहाँ पर कैमरा की बात करता हूँ, परफॉर्मेंस की बात करूँ, बैटरी बैकअप की बात हूँ। तो ये था आज का कंपैरिजन, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।